चालू हो गया ना। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मंडे और मैं अभी कैंपस के अंदर हूँ, कैंपस के अंदर घूम रहा हूँ। मैं अभी कैंपस में अभी घूम रहा हूँ और उसका रीज़न ये है कि हम लोगों को टाइप टू, मतलब जहाँ मैं रहता था वहाँ पे अभी रह रहा हूँ, बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो बिल्डिंग बन गई है कैंपस के अंदर तो वो अलॉट हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको लेना है तो ले सकता है, जिसको नहीं लेना नहीं ले सकता। तो अभी एक टाइप टू बिल्डिंग है कैंपस के अंदर, उसको हम देखने जा रहे हैं कि उसके कमरे क्या हैं, क्या क्या उसके अंदर सामान है, क्या क्या फर्नीचर मिला हुआ है हम लोगों के लिए, उसको देखूँ। तो मेरे साथ डॉक्टर साइन है, तो अपना हाई कर दो। हेलो। तो इनको भी मिला हुआ है रूम, मुझे भी मिला हुआ इनको है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ टाइप टू बिल्डिंग होती कैसी है, टाइप टू बिल्डिंग कैसी होती है, उसमें क्या क्या फर्नीचर है। और ये कैंपस 144 एकड़ में है ना, तो यार कॉलेज से बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर बिल्डिंग है। हम पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है। बहुत धूप हो रही है, भयंकर वाली, एकदम भपका छूट रहा है ना। सुबह सुबह क्लीन शेव कर ली तो और एकदम सकेल की बैंड बज गई। गरीबी का फायदा उठाए, सोचे वॉक करें, थोड़े पतले हो जाएंगे। हाँ, और हाँ एक और बात और है, योग दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने भी योग किया है सुबह सुबह, टाइप टू मिला है, मिला है हमको टाइप टू। उसके 18 चाबी है भैया, उसके 18 चाबी बॉक्स देख रहे हो, बॉक्स दिखाती हूँ मैं आपको, चाबी का चाबी दिखा दो। ये देखो 18 चाबी है एक एक कमरे की, 2BHK रूम है, 2BHK रूम है, उसकी इतनी चाबी है, 2 किलो की चाबी है कम से कम। अब हम इतनी चाबी हो, ये अपने डिपार्टमेंट का था आदमी, इसको बोल देते। 37 डिग्री टेम्परेचर दिख रहा अभी तो भाई, बहुत खराब है। वो दिख रही टाइप टू बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में हमें जाना है, बिल्डिंग ये, तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या रूम है, क्या फैसिलिटी है, आपको दिखाएंगे। चलो भाई टाइप टू वाले हैं, यही है 105 106, ये है 101। ओ दिस इज वाओ, एकदम सामने दर्शन हो गए। घंटी भी है भाई, घंटी ये नंबर क्या है, 0176 नंबर। यस बस हो गया, ये रहा रूम, एंटर किए हम। ये रही बालकनी है ना, ये सारे के सारे लॉक है पता है। ये रहा किचन, किचन ओ ये है रूम, एक रूम ये है, बाथरूम, टॉयलेट, क्या मस्त टॉयलेट है यार, हकने की जगह तो है। MC साइन नीचे से गिरी है। हाँ एक रूम है, बाहर से नजारा ऐसा दिखेगा, बहुत ही गर्मी, बहुत ही प्रचंड गर्मी है। 101 से इंटर हुआ, ये रहेगा हॉल, हॉल के साथ में यहाँ पे हॉल में किचन है। और ये रहा अपना फर्स्ट रूम, रूम नंबर 1। और ये रहा रूम नंबर, ये रहा रूम नंबर 2। ठीक है, इधर सेंटर में बाहर देख सकते हैं कैसा क्या है माहौल, और इस खिड़की से अपोजिट साइड देख सकते हैं, दिख रहा होगा। तो भाई क्या मस्त नज़ारा है, ये खिड़की खोला अपन ने, चारों तरफ खेत, यही चाहिए सुकून, एक भी घर नहीं है आसपास से पेड़ के अलावा। लिफ्ट भी है बट लिफ्ट इज़ नॉट वर्किंग, तो सीढ़ियों से आना जाना पड़ेगा। बट ये नीचे पार्किंग, पार्किंग व्यवस्था है यहाँ पे, गाड़ी वाड़ी रख सकते हैं, और यहाँ से बाहर जाओ सीधा बाहर है ना। पैर, एक पैर दूसरा पैर भी टूट गया, प्लास्टर लगा दिया भाई, कुर्सी का प्लास्टर। एक रूम की 18। क्या करें, 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा क्योंकि सफाई चल रही है, उसके बाद ही निकलते हैं यहाँ से। सामने ये कुत्ता, इससे अंदाज लगा सकते हैं कि भाई कितनी गर्मी है यहाँ पे। स्विमिंग पूल का फुल मजा ले रहा है, साले फुल मजा ले रहा है स्विमिंग पूल के, और हम देखो यहाँ गर्मी में सड़ रहा है, मर रहा है।
तो फिलहाल हम लोग वापस आ चुके हैं रूम देख के। रूम तो काफी अच्छा था, क्यों मैंने अच्छा था रूम तो अच्छा है, आपने अपने देखा होगा वीडियो में। 2BHK का फ्लैट है, 18 चाबी है इस बॉक्स के अंदर। तो फिलहाल बज गया है एक, अभी भूख लग रही पहले हमें। रूम से प्रॉब्लम नहीं है, चाबियों से थोड़ा है। एक बज गया है तो फिर लंच वंच करेंगे। भूख लग रही दम वाली। सुबह के गए शाम को आ रहे हैं, बता। ऐसा रूम सर्च किया, पूरी सफाई करवा के आए हैं चकाचक। मजा आ गया भाई। तो खाना आज क्या मंडे है ना, तो स्पेशल खाना होगा, ऐसे लोकल खाना होगा। पनीर वनीर पे लेंगे आज, तो पूरी एनर्जी वेस्ट हुई तो पनीर से भरेंगे और क्या। यही बात है क्या नहीं। तो भाई खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं हम लोग पूरे तरीके से। ले ठोक ठोक बजा के जूते पहन रहे हैं मैडम। बुढ़ापा आ गया लगता है, हालत खराब हो गई आज गर्मी में। पानी तो पीना है। टाइम हुआ 2:30, लंच कर लिया है मैंने। लंच में आज क्या खाया है बता, सैंडविच खाया है, 2 रोटी और कुछ नहीं खाया, क्योंकि भूख नहीं लग रही थी, गर्मी में घूम के आए हैं। गाइस सुनो, अगर जैसे किसी की यहाँ पे नई शादी होती ना, तो उस हम बोलते बहू, बहू आ गई बहू, तो बंगाली में क्या बोलते हैं प्लीज हैं, नितुन बोमा। भाई इतना लंबा नाम भाभी है कि कोई सेंटेंस है पूरा। सास को क्या बोलते, सास को सास बोलते ना, सास सास सासुरी बोलते हैं, सासुरी ससुरी। अरे ससुरी तो नहीं बोलते, दामाद को यहाँ पे बोलते हैं जमाई ना, जमाई जमाई बाबू बाव। एंड बुआ को क्या, पिसी पिसी। आई डोंट नो, वो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे लोग, लेकिन बुआ को पिसी बोलते हैं, ठीक है, पिसी बोलते, पिसी पिसी। हमारे पिसी को पता क्या बोलते, गेहूँ पिसी ले जा रहा कंट्रोल, कंट्रोल जा रहा पिसी ले अबे, पीले परमट की, नीले परमट की, सफेद परमट की। अरे तुम्हारे के पास कौन सा परमट है, सफेद नीलो पीलो, हमारे पास तो नीलो परमट है। तो फूफा जी हाँ, मैंने बुआ की हस्बैंड क्या, पिसे मुसाई भाई, पिसे मुसाई बोलते हैं यहाँ पे। और हाँ, और सुनो तो साले साहब को साला ऑलवेज साला, मम्मी को माँ, मैंने पूरे बंगाल में मम्मी को माँ बोलते हैं। क्या सुना पड़ता, यू ऑलवेज कॉल योर मदर नेम माँ। ये क्या कर रहा है भाई, ये देखो, ये मेरे रूम में ये हरकतें होती हैं। कैमरा चालू कर लिया भाई साहब ने, अभी वीडियो बनाएंगे और अपलोड करें। जमाई सृष्टि मतलब दामाद, मैंने दामाद अगर बंगाल का बन जाता मैं तो भाई, जमाई सृष्टि यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जो जिसमें दामाद का फुल सम्मान होता है, खाना पीना कपड़े, एक दो एकड़ जमीन भी मिल जाती है यहाँ पे। क्या बोलते मासी, हमारे बोलते मौसी मौसिया 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 बोलते उसको, मौसिया आ गए, हाँ वहाँ पल्ले भैया रहो। तो हमारे घर वाले बोलते फूफा जी आ गए, पैर तो पढ़ ले अब, लेकिन अब थोड़े बड़े जैसे बड़े होते गए ना, तो शर्म आ जाती है कि अब कौन पढ़े पैर, सीधे गले लग जाती है अब तो। तो मैडम लंच क्या किया आपने बताओ। हमने लंच का मीन्स आलू सिद्धो, अच्छा डिम सिद्धो आलू भात और माछ भाजा। खाने के बाद कुछ मीठा हो, आइसक्रीम खाएंगे। और यहाँ पे चल रहा है भागवत गीता का कुछ श्लोक जो मैं समझ रहा हूँ। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखा के डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही पुर्तगाल वर्सेस हंगरी का पेल दिया ना उसने, पुर्तगाल वर्सेस हंगरी दिखाया, उसके बाद पुर्तगाल को पेल दिया जर्मनी ने, वो बहुत बढ़िया खेला था जर्मनी ने पेल दिया ना उसको, बहुत बढ़िया खेला था जर्मनी। तो बंगाली में कहावत है यार, मैंने सुना है वो, उसको क्या बोलते, 8 থেকে 80 फुटबॉल भालोबासी, 8 থেকে 80 फुटबॉल भालोबासी, मैं समझ गया इसको पता है क्या है, 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक यहाँ के लोग फुटबॉल अच्छा लगता है वो खेलते हैं, राइट मतलब कोई एज का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सारे। घुमा ले ये, चलो भाई बैठते हैं।
चलो 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 चलो। रूम की हालत कैसी हो रही है। मैं अभी कॉलेज से आया भाई, सुबह ऐसा फैला के गया था। आज तो रूम की हालत देखो ही मत, कितना बुरा रूम दिख रहा है। यहाँ पे कपड़े डले हुए हैं, यहाँ पे मैट डली हुई है, बुक्स देखो कहाँ डली हुई है। ये देखो भाई पूरा गंदा रूम पड़ा हुआ है। आज तो बात ऐसी है कि कॉलेज से आया, सोचा थोड़ा सो लूँ भाई, ऐसे नींद लगी। 6:30 बज गए, बाहर डले हैं कपड़े सूखने, देखते हैं क्या है मामला। बात है शाम हो गई पूरी। ये कपड़े सैटरडे से डले हैं, सैटरडे को धोए थे, 3 पैंट, पानी इतना गिर रहा कि साले सूखे ही नहीं अभी तक यार। मौसम एकदम मस्त बिंदास सेक्सी मौसम हो रखा है भाई, देख रहा हो। आज मैं डिनर में ले रहा हूँ पराठा और वेजिटेबल, कुकुम्बर और थोड़ा सा बटर नमकीन।